प्रिय विद्यार्थियों, मैं विपिन सर आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश देखिए एक भाषा है जो कि दैनिक जीवन में प्रयोग की जा रही है और इसकी महत्ता भी धीरे धीरे पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो गई है। आजकल सारे कार्यालय के काम और जितने भी और टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता देती हैं। हिंदी अवेलेबल है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी भाषा हमें सीखनी चाहिए जो हमारी मातृभाषा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे इंग्लिश की कमी महसूस होने लगती है, होती है। इसी को देखते हुए हम आज इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम शुरू करेंगे। ग्रामर की पहली क्लास है मेरी ये, ठीक है। ऑलरेडी मैं पहले से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, तो उसी अनुभव के आधार पर मैं आज आपको एक छोटी सी क्लास दे रहा हूं। जैसा भी अब आपको अनुभव होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इंग्लिश देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करें किसी भाषा की, तो भाषा की एक वर्णमाला होती है, जैसे लिपि होती है, स्क्रिप्ट जो हम लिखने में यूज करते हैं, और जो बोलने के लिए ध्वनियां यूज करते हैं वो वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई वर्ड होगी, जैसे हिंदी की वर्णमाला में अ आ ई ई यूज करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश की वर्णमाला जो होती है हमारी वो ए बी सी डी से शुरू होती है और कहां तक, जेड तक चलती है, जो कि टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 26, ठीक है। इनमें दो तरह के विभाजन किए गए हैं, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम हिंदी वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन में बांटते हैं, ऐसे ही इंग्लिश को वॉवेल और कंसोनेंट में बांटा गया है, वॉवेल और कंसोनेंट में बांटा गया है। वॉवेल आई मीन स्वर और कंसोनेंट आई मीन व्यंजन। इंग्लिश भाषा में वॉवेल 5 होते हैं और शेष जो होते हैं वो सभी क्या हैं, कंसोनेंट कहे जाते हैं। वॉवेल जो स्वरों के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, कंसोनेंट व्यंजन की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। वॉवेल कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे क्या हैं, वॉवेल हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और उच्च स्तर पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी यहाँ एक सेमी वॉवेल भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। सेमी वॉवेल का भी जिक्र मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप में हम इसे दो भागों में बांटते हैं, वॉवेल और कंसोनेंट। वर्डों को मिलाकर अगला स्तर हमारा क्या बनता है किसी भाषा को सीखने में, सबसे पहले तो वर्डों को सीखेंगे। ऑलरेडी जिस स्तर पे हम लोग क्लास ले रहे हैं, यहाँ वर्ड सिखाने की कोई चीज नहीं है, ऑलरेडी सबको ऐसे जेड तक आता होगा। मे भी कहीं कहीं बीच में आप भूल भी सकते हैं, एक दो बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वॉवेल कंसोनेंट के बाद अब इनसे जो अल्फाबेट है इनको मिला करके हम सबसे पहला स्तर बनाते हैं वर्ड का, आई मीन शब्द बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे, शब्दों का निर्माण होगा। दो या दो से अधिक वर्णों को जब हम एक साथ मिला लेते हैं तो वर्ड बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही वर्णों को मिला करके या शब्दों को मिला करके, सॉरी, वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, सेंटेंस। क्या बनाते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब सारे वर्ड मिलाए जाएंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। लेकिन ऐसे किसी निरर्थक शब्दों के समूह को हम सेंटेंस या वाक्य नहीं कह सकते। क्या नहीं कहेंगे, ऐसे किसी निरर्थक शब्दों के समूह को हम कभी वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अगर कोई एक शब्द बोलूं, एक वाक्य ले लूं, शब्दों के समूह को मैं बोलूं, वह था नहीं गया रहा ऐसे कुछ बोल दूं, तो ये क्या है, इसका कोई मतलब हुआ, बेकार है ना, आप कुछ समझ पाओगे इसका, नहीं। अगर मैं उसी को एक सीक्वेंस में बोलूं कि जैसे राम घर जा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो इससे आप किसी चीज किसी अर्थ तक पहुंचते हो और वही क्या कहलाता है, एक सार्थक वाक्य कहलाता। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्यों के समूह से मिलता है, बना के मिलाते हैं हम
पैराग्राफ बनाते बेटा, पैराग्राफ। ढेर सारे वाक्य जब मिलते हैं तो एक अनुच्छेद बनता है जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। आगे देखेंगे सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। सारे सेंटेंस एक जैसे नहीं होते, सेंटेंसों को भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जो कि मुख्य रूप से पांच होते हैं। मुख्य रूप से सेंटेंस कितने होते हैं? पांच। इनको हम अगर देखें तो पांचों को मैं अगर एक एक करके क्लासिफाइड करूं तो पहला आता है बेटा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके दो नाम हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये वो वाक्य होते हैं जो किसी घटना के बारे में वर्णन करते हैं या हमें बताते हैं। इनमें दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगी या तो वो निगेटिव होंगी। इन्हें दो भागों में डिवाइड कर लें अगर हम, तो पहला हो सकता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा हो सकता है निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो किसी घटना के बारे में वर्णन करते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनसे किसी चीजों का वर्णन किया जाए। वर्णन दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, यह एक सकारात्मक वाक्य है। राम एक अच्छा लड़का है, यह सकारात्मक वाक्य है। राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, यह हमारा नकारात्मक वाक्य होता है। पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस का यह दो टाइप होता है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो एग्जाम्पल समझ में आ गए। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे तो इस तरह की ढेर सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव होने चाहिए। पॉजिटिव के थ्रू अगर रखते हैं तो पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और जो निगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए, या ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने से आपको ये बोध हो कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके दो प्रकार, एक में नॉट होगा और एक में नॉट नहीं होगा। ठीक है, दो टाइप। यहां भी दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है यस नो टाइप और एक होता है क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड टाइप, जहां क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, हुज, हुम, हाउ, विच, ऐसे शब्दों से प्रश्न किया जाता है, वहां हम WH वर्ड टाइप लिखते हैं। और जहां यस नो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या तुम, नहीं, क्या तुम, ये, ठीक है, तो वहां यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित हो। दूसरा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहां व्हाट, हुज, हुम, व्हेन, ऐसे वर्ड आते हैं, इन्हीं वर्डों को हम WH वर्ड कहते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस शुरू होता है इन शब्दों से तो उसे हम WH वर्ड टाइप कहते हैं, WH क्वेश्चन टाइप कहते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन बोला जाता है, या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अगला सेंटेंस का टाइप हम देखते हैं। सेंटेंस शुरू है ना, अगला सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इसका प्रयोग आज्ञा, निवेदन, आदेश, परामर्श इत्यादि वाक्यों को बोलने में किया जाता है। आज्ञा जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये क्या है? एक आज्ञा दे रहे हैं हम। अगर किसी से निवेदन करना हो, प्लीज गिव मी
कप ऑफ टी। ये सब क्या, ये क्या हो गया हमारा, निवेदन हो गया, आज्ञा या आदेश सेम चीजें हैं। परामर्श आई मीन कंसल्ट, गो देयर, ये सभी चीजें इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं, ठीक है। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, इसको अगर देखें तो ये सुख दुख जैसे आ हुआ व्हाट, आश्चर्य प्रकट करते हैं, घृणा प्रकट करते हैं, किसी चीज से खिन हो रही है आपको, तो जैसे लिखे हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान है कि वहां एक एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे कहते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ होता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ऐसे ही एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है जिसका सिंबल इस प्रकार का होता है। जैसे हमने लिखा व्हाट एन आइडिया, ठीक है, यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं हम, क्या विचार है, ठीक है। तो यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है और एक्सक्लामेशन मार्क इसके लास्ट में यूज करते हैं, जैसे हम इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मार्क जो होता है इसको यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं। एक्सक्लामेशन और इम्परेटिव दो चीजें हैं, इसमें आज्ञा निवेदन आदेश और परामर्श दर्शाया जाता है। सुख दुख आश्चर्य और घृणा के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, और लास्ट जो सेंटेंस है हमारा वो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। ऑपरेटिव सेंटेंस में इच्छाएं, किसी को आप शुभकामना दे रहे हो तो, या फिर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रार्थना वाला सेंटेंस कहां जाएगा, ऑप्टेटिव में, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा दिनों तक जिए, ऐसे सेंटेंस कहां जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को निर्देशित करते हैं। ऐसे वाक्यों में ऑप्टेटिव सेंटेंस पाया जाता है, एक्सक्लामेटरी इंट्रोगेटिव। तो टोटल मिला के हमने कितने प्रकार के वाक्य पढ़े, पांच। पहला क्या था हमारा, पहला कौन सा सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, कौन सा, असर्टिव। दूसरा इंट्रोगेटिव, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, असर्टिव इंट्रोगेटिव। फिर तीसरा हमारा इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया। चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया, और पांचवा आपका ऑपरेटिव हो गया। ये पांच तरह के वाक्य थे, ठीक है। इन दोनों में असर्टिव को दो भागों में हमने बांटा था, पॉजिटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटा था, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है। तो वाक्य का जो ये विभाजन है वाक्यों का, यहीं पे खत्म होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में होगा, आई मीन भाषा को सीखने के भेद। स्पीच का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, स्पीच का मतलब बोलना भी होता है, और स्पीच का मतलब भाषा भी होती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो भाषा के अंग होगा, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहां नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब इन सभी चीजों का जिक्र होगा। पार्ट ऑफ स्पीच आई मीन भाषा के अंग, किसी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण को पढ़ना होगा, और व्याकरण में जो उस भाषा के अंग होंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक विभक्ति, जो भी चीजें हिंदी में होती हैं इसी तरह की इंग्लिश में भी होती हैं, तो अंग्रेजी में हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे पहचाना जाता है, उनका रूपांतरण कैसे होता है, किसी वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम भाषा के अंग पार्ट ऑफ स्पीच में करके एक एक क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।